उधर आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उचाना में कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। ईडी कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को वीरेंद्र ने जवाब दिया और कहा कि देश में प्रजातंत्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी बयान दिया। जो चुनाव नजदीक आता है सब यात्रा पर निकलते हैं, तो राहुल ने भी फैसला किया है कि मैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक 6000 किलोमीटर लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए निकलूंगा और अब देखना यह है कि लोग उसका उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उससे क्या लोगों के मन में बात आती है। प्रजातंत्र रहेगा तो लोगों की सोच मजबूत होगी, प्रजातंत्र रहेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, प्रजातंत्र रहेगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक दृष्टिकोण जो है वो बन रहा है और दृष्टिकोण ये है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब यहाँ प्रजातंत्र मजबूत होगा। प्रजातंत्र तब मजबूत होगा जब लोगों की जबान मुंह में जबान होगी। अगर मुंह में बैठ के रहोगे तो कुछ नहीं मिलना।